नमस्कार। आज का हमारा विषय है विवाह। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर विवाह मेरा कब होगा, कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा। माता पिता आते हैं, पूछते हैं कि बेटे के या बिटिया का विवाह कब होगा, कैसा होगा। इसी सब पे देखते हुए आज मैं एक वीडियो बना देने जा रहा हूँ विवाह पे, कि विवाह को हम हस्तरेखा में हाथ पे कैसे देखें, कैसे समझें कि हमारा विवाह कब होगा या फिर हमारा जीवन साथी कैसा होगा। विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, चाहे वो किसी प्रकार का तनाव हो विवाह को लेके, या विवाह में देरी हो रही हो, या विवाह समय पे हो रहा हो, किसी भी प्रकार के, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा हस्तरेखा में। आइए हम देखते हैं विवाह को कैसे देखा जाता है और कौन सी लाइनें जो है विवाह को दिखाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह को देखा कहाँ से जाता है, कि विवाह की रेखा कहाँ से देखी जाती है, जिससे निर्णय आदमी ज्योतिष लेता है कि इसका विवाह कब होगा, दो मिनट बता देता है। और ये सारी चीज़ें आप शुरू से लेके अंत तक मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा विवाह को कैसे देखा जाता है। हालांकि ये 4-5 स्टेप में वीडियो आपके पास आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा होगा और ऐसे सारे बिंदु होंगे जिनका एक सामान्य मानुष से वास्ता होता है विवाह को लेके। आइए मैं आपको कुछ बिंदु पहले बताता हूँ, फिर मैं आगे जो है चर्चा करता हूँ। पहले हम सबसे पहले जो है प्रेम पे आ जाते हैं, कि ये कैसे देखा जाता है कि जातक के प्रेम बहुत होंगे। सबसे पहले आप समझिए विवाह कहाँ से देखा जाता है। ये हिस्सा जो है बुध उंगली के नीचे का हिस्सा, मतलब हमारी लिटिल फिंगर के नीचे का हिस्सा, और ये साइड, जैसा आप सभी को पता होगा कि पहले के ज़माने ऐसे देखते थे यहाँ से कहाँ से विवाह देखा जा रहा है, कितने विवाह होंगे। बचपन में लोग देखते थे, अरे तुम्हारा दो होगा, दो रेखाएं, तीन होगा, तीन रेखाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फॉर्मेट कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन तरीका देखने का अलग है। आइए मैं चर्चा आपको जो है विवाह की कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर कई रेखाएँ हैं, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जातकों की, सामान्य तौर पर जातकों की एक लंबी रेखा होती है और एक छोटी रेखा होती है। एक लंबी होगी, एक छोटी होगी, दो रेखाएं होती हैं समानता। जिन जातकों का यहां पर लंबी रेखा के बगल छोटी रेखा, फिर एक रेखा, फिर एक रेखा, ये रेखा, ये रेखा, कई रेखा हो जाती हैं इस जगह पे, आपकी जो है कई रेखाएं होती हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि जातक का प्रेम संबंध कई बार होगा और उम्मीदतन जातक का दो विवाह भी हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर कई रेखाएं हाथ में है तो ये एक तरीका है देखने का कि आदमी कितना इस लाइन में, या कह लीजिए प्रेम संबंधों में कितना पड़ेगा। और सावधान हो जाइए, अगर कई रेखाएं हैं तो, 5-6 रेखाएं हैं तो सावधान हो जाइए। और कैसी रेखाएं होंगी, संभवतः एक लंबी होगी, एक ये छोटी छोटी होगी, ऐसे करके होगी, ठीक ठीक चीज़ नहीं है। विवाह को लेके और आपके निजी संबंधों को लेके वो ठीक चीज़ नहीं है। ये केवल मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, अगर ऐसी रेखाएं हैं तो थोड़ा सा अपने आप को, चाल चरित्र को बदलिए। ये तरीका है विवाह को या विवाह से संबंधित समस्याओं परेशानियों को बताने का। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए यहां पर तिल है, शुक्र पर्वत पे तिल है, या फिर धब्बा, धब्बा मतलब कि ऐसे करके कभी कभी उभर आता है, वो तिल भी नहीं होगा, वो ब्लैक या ब्राउन कलर करके जो है आपका कलर सा आ जाता है और जगह जगह हो जाते हैं धब्बे, तो इस स्थिति में ये कहा जाएगा कि जीवन साथी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कारण कोई भी हो सकता है। अगर तिल है इस जगह पे और धब्बा है तो जीवन साथी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कारण कोई भी हो सकता है।
और कुछ चीज़ें अच्छी बताता हूँ, फिर जो है आपको अन्य चीज़ों से। मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं, समानता सबकी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है, रेखा जाल भी हो जाता है, लेकिन मान लीजिए दो रेखाएं हैं शुक्र पर्वत पे, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपसे ज़्यादा आपका जीवन साथी जो होगा वो ज्ञानी होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, भले ही पढ़ा लिखा ना हो लेकिन ज्ञानी जरूर होगा आपसे ज़्यादा, ज्ञान ज़्यादा होगा, उम्मीदन वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आइए कुछ रेखाएं और बताता हूँ। ये रेखा उन जातकों के लिए है, माता पिताओं के लिए है, कि जो अपने बच्चों का विवाह जो है करने वाले या कुछ सालों में करने जा रहे हैं, ये उनके लिए स्पष्ट चेतावनी है कि ये चीज़ देख लीजिएगा, अगर हो तो जो है जो मैं चीज़ें अभी बताऊंगा उस पर अमल करिएगा। बुध पर्वत पे अगर जिस जातक के माता पिता के बुध पर्वत पे जाल है, जिन जातकों के जो माता पिता हैं उनके बुध पर्वत पे जाल है, पिता पे है तो खासकर उन गार्जियन को, पिता को अपने बच्चों की शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है जिससे जो है आप पीड़ित होंगे बाद में कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। और एक चीज़ और, ये संकेत करता है कि जातक विवाह के बाद, जो जातक मतलब कि जो माता पिता हैं, विवाह के बाद अपने बच्चे के कर्जे में आ जाएंगे, ये कर्जे को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आदमी को कर्जे में कैसे लेके आता है, ये साइन है। आइए कुछ और रेखाएं मैं आपको दिखाता हूं। ये सारी रेखाएं ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग से इस पे वास्ता है, और इसको ज्योतिष को कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर जो ज्योतिषी या ज्योतिष आपके पास्ट को बता रहा है तो आपको यकीन करना पड़ेगा, वो फ्यूचर को भी बताएगा। मैं हरदम लोगों से यही कहता हूँ, बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो ज्योतिष अपने चार्ट दिखाने नहीं, आर्गुमेंट करने, या फिर कहीं मिल जाते हैं, अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता है, ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। उन सभी को मैं ये जवाब देता हूँ कि अगर आप का भविष्य बताने वाला, ठीक है मैं मान सकता हूँ भविष्य किसने देखा है, लेकिन मैं अगर आपको पास्ट बता रहा हूँ, पिछला बता रहा हूँ ज्योतिष के माध्यम से, जिसने ज्योतिष ने मुझे जो सिखाया है, जो अनुभव मेरा रहा है, तो अगर मैं पिछला बता सकता हूँ तो अगला क्यों नहीं बता सकता? आप कैसे यकीन नहीं कर सकते ज्योतिष पे? ज्योतिष कोई हंसी खेल नहीं है। चलिए अपने विषय पे आते हैं। तो कुछ रेखाएं मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए इस तरीके की आपके पास, आपके हाथ पे रेखा है, अमूमन सबके एक दो रेखाएं यहाँ पर होती हैं, एक लंबी है एक नीचे छोटी है, यही चीज मैंने आपको जो है बड़ा करके बताया। अब इसको कोई रेखा काटे, मतलब ये दो रेखाएं जो लंबी और छोटी है उसको दो तीन रेखाएं काटे हैं, तो ये कहा जाएगा कि जात स्पष्ट होनी चाहिए, रेखा बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, महीन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये कहा जाएगा जातक विवाह के उत्परांत कुछ ऐसे प्रेम संबंधों में फंसेगा जिसमें उसकी धन की हानि होगी, और कहीं ना कहीं उसका जो है असर वैवाहिक जीवन पे ही पड़ेगा। अगर दो ये लंबी रेखाएं आपकी विवाह की रेखा है, उसको दो रेखाएं तीन रेखाएं काट रही हूँ, रेखा लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दबी नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा उसमें जो है फ्लो होना चाहिए, दिखनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए। आइए अब मैं बात करूंगा, ये हमारी हृदय रेखा है, ये लंबी वाली जो रेखा आप देख रहे हैं इसको हृदय रेखा कहते हैं।
इसके नीचे अमूमन सभी की दो रेखाएं होती हैं, दो या तीन रेखाएं होती हैं। इसके नीचे अमूमन सभी की दो या तीन रेखाएं होती हैं। ये जो आपकी, मैं बड़ा करके दिखा दूं आपको, ये वाली रेखा मैंने खींची है और इसके नीचे दो रेखाएं। अगर किसी की ये रेखा नहीं है, ये दोनों रेखा नहीं और ये प्लेन है, तो दिक्कत, विवाह को लेके समस्या परेशानी, विवाह के लिए और विवाह को टिकने के लिए यहाँ पर दो रेखा होना बहुत आवश्यक है, या फिर कोई रेखा ऐसे करके काट दे इसको, या फिर ऐसे हो जाए, या फिर ऐसे किसी प्रकार से खंडित हो रही रेखा, टूट रही है रेखा, टूट टूट जा रही है, तो ये विवाह के लिए